फर्मों की ये जो लड़ाई है संघर्ष में, तो कल को 21 तारीख को 11 बजे का टाइम बाउंड किया गया है कि जो सरकार ने अभी हमारे साथ बात शुरू की है और कोई भी मांग को अभी तक किसान की नहीं मांगी। जे असी इस मंच तो दसना चाहते हाँ भी कल शांतमई तरीके दे नाल असी जो दिल्ली कूच करने की रणनीति बनाई है, जो किसान है खाली हाथ, उसके पास कोई भी राइफल नहीं है, कोई भी गोला बारूद नहीं है, वो अपने खाली हाथ उस बॉर्डर को बीच में सारी ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर अपने जो रचना सामान लेके वो दिल्ली कूच करेंगी। अगर सरकार ने उसके ऊपर जो भी, जैसे पहले हमारे 50-60 इससे करौली बॉर्डर में जख्मी हुए हैं और उसमें प्लास्टिक की गोली और ग्रेनेड मोर्टर बम बहुत कुछ सरकार ने किसानों को दबाने के लिए किया है, अगर फिर भी वो ऐसा करेगी तो ये बहुत माड़ी घटना होगी, क्योंकि किसान एक देश का अन्नदाता है जो अन्न पैदा करता है और अपनी हकी मंगा के लिए वो अपना अपना जो हक है उसी मांगों पर वो पूरा लड़ रहा है। जैसे MSP का दूर हो, कर्जा मुक्ति हो किसान और मजदूरों की, जैसे स्वामीनाथन की रिपोर्ट हो, जैसे C2+50% का जो मोदी सरकार ने किसानों के आमदन को दुगना करने वाला फार्मूला तय किया था वो भी अभी पूरा नहीं किया। ये सारी मांगों के लेकर जो संघर्ष चल रहा है, ये दोनों बॉर्डर में जो कल को रणनीति है, एक ही टाइम में जो असी हम दिल्ली कूच करने के लिए तैयार होंगे, समाधान कर लेंगे। अगर असी अगों ये बेनती की कि जे तुसी समाधान नहीं कढ़िया तो असी मोर्चा सस्पेंड करके चलने हैं, जाके मोर्चा फते करके नहीं चले, 2021 वाला असी मोर्चा सस्पेंड करके चले। अगर जे तुसी किसी गल ते ना आओगे तो फिर वापस असी फिर दिल्ली आवांगे, दिल्ली कूच करांगे, फिर आ के आपको अपना जिहड़ा गिला शिकवा लैके बैठांगे और उहदा जवाब तुसी दिओगे। पर जवाब सानू ये मिलिया कि लिखती भी दे दिता और बुरी तरह 13 और 14 नूं वड्डे पद्धर ते किसानां नूं नौजवानां नूं पूरे हरियाणा पंजाब बाकी भी जिन्ने भी लागे लागे राज लगदे उहनां नूं पूरी तरह टॉर्चर किया, पे किया नुकसान किया गया, बहुत ज़्यादा वड्डे पद्धर ते फ्रैक्चर किया गया, जिहदे विच साडा ज्ञान सिंह और मनजीत सिंह दो किसान शहीद होए, एक किसान जिहड़ा वा उह पटियाले पई उहदी डेड बॉडी, और सरकार खुद ही बोली कि असीं इहदा जो इनू बनता मान सत्कार दिता जाऊगा, और सरकार वो भी खिलवाड़ कर रही, डेड बॉडी अंदर पई है, घर के बाहर रोक ला रहे हैं, पर उन्होंने अजे तक कोई समान सम्मान भी नहीं दिता गया। असी आपदे देश के दे हकी मंगा वास्ते लिखती कमिटमेंट वास्ते दिल्ली नू खाली हथ कल कूच करांगे, 11 बजे का समा बनिया और सरकार सानू टॉर्चर करती आ, साडा नफा नुकसान करती आ, तो ये खट्टर सरकार तो मोदी सरकार होगी। असी अज भी साडा कोई चा नहीं गा कि असी दिल्ली वाल नूं जाइए। नमस्कार साथियों, आज ये किसान आंदोलन, हमारा किसान समाज और हमारा पूरा देश आज एक बड़े महत्वपूर्ण मोड़ पे खड़ा है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई सरकार, कोई प्रधानमंत्री लगातार 10 साल सत्ता में रहे हो, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक भी निष्पक्ष न्यूट्रल किसान डेलीगेशन से मुलाकात नहीं करी। हमारे प्रधानमंत्री जी के पास कॉरपोरेट घरानों के प्रोग्रामों में जाने का तो समय है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास देश के अन्नदाता की बात सुनने का समय नहीं है। इससे दुख और दुर्भाग्य की बात हमारे लिए कोई और हो नहीं सकती। जो प्रधानमंत्री 2014 से पहले बड़े बड़े वादे करते थे, आज वो देश के किसान की बात सुनने को भी तैयार नहीं है। साथियों, किसी भी सरकार का यह अधिकार होता वो हमारी मांग माने या ना माने, लेकिन उसी तरीके से ये अधिकार देश की जनता का भी है कि वो अपने देश की राजधानी में जाके शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकती है। 13 फरवरी से आप देख रहे हो, 13 फरवरी को यहां पे पहुंचे थे और आज 20 तारीख हो चुकी है, आज 8वां दिन है मोर्चे का। यहां पे इंजेक्टर मोर्टार दागे गए, 12 बोर के सीधे छर्रे मारे गए लोगों की छातियों की तरफ, लोगों के सिरों की तरफ। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, ये सरकार मानवता विरोधी, इंसान विरोधी सरकार है। 4 राउंड की बैठकें सरकार के साथ हो चुकी हैं और 4 राउंड की बैठकों में टेबल के ऊपर
हमारे किसान नेताओं ने, हमारे किसान डेलीगेशन ने सरकार के तमाम तर्कों को परास्त करने का, हराने का कार्य किया है। आपने देखा होगा दो दिन पहले जो प्रपोजल हमें दिया गया था सरकार द्वारा, अगर हम चाहते तो उसी उस प्रपोजल को वहीं मना कर सकते थे, लेकिन हमारे दोनों फोरम लोकतांत्रिक फोरम है। हमने कहा कि हम तो मात्र नुमाइंदे के तौर पे यहां पे आए हैं, अपने फोरम के लोगों से डिस्कस करेंगे, इसके प्लस और माइनस पॉइंट देखेंगे, और सारी विचार चर्चा करने के बाद जब हमें लगा कि ये पूरे तरीके से ये प्रपोजल किसानों के विरोध में है, तो उसके बाद समझदारी से चर्चा करने के बाद अगले दिन हमने उस प्रपोजल को रिजेक्ट किया। साथियों, पूरे देश में और खासकर पंजाब और हरियाणा में कल की कॉल का संदेश बड़े लेवल पे जा चुका है। इंटरनेट बंद होने के बावजूद तमाम गांवों में यह संदेश पहुंच चुका है कि कल यानी 21 तारीख को सुबह 11 बजे तक शंभू बॉर्डर पे और खनौरी बॉर्डर पे हरियाणा पंजाब के किसानों को पहुंचना है बड़ी संख्या में। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि हमारा इंटरनेट बंद है, हमारे फेसबुक प्रोफाइल, ट्विटर प्रोफाइल सब सरकार ने हटा दिए हैं, तो आपके माध्यम से तमाम नौजवान भाइयों को एक विशेष विनती हाथ जोड़ के करना चाहते हैं कि बड़ी संख्या में पहुंचने के साथ साथ कल हमें बड़े लेवल पे अपना अनुशासन भी रखना है। बिना अनुशासन, बिना शांति के कोई भी मोर्चा जीता नहीं जा सकता। अगर किसी भी मोर्चे में हमारी तरफ से गलती से भी आधा परसेंट भी हिंसा हो गई तो हमारा मोर्चा बहुत कमजोर हो जाएगा, और यदि हम शांति से रहेंगे जैसे अब तक रहे हैं, सरकार चाहे कितनी बड़ी हिंसा कर ले, सरकार के जबर का सामना हम अपने सबर से करेंगे, जब हम शांतिपूर्ण रहेंगे तो निश्चित तौर पे हम मोर्चे को फतेह करेंगे, कोई भी ताकत हमें मोर्चा नहीं हरा सकती। एक एक इंसान की कीमत, एक एक किसान की कीमत हमारे लिए बहुत कीमती है, एक एक नौजवान की जिंदगी कीमत हमारे लिए बड़ी कीमती है। जो पुलिस वाले भाई हैं वो भी किसान मजदूर परिवारों से हैं, उनकी जिंदगी की कीमत भी हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। राजनेताओं के लिए ना तो किसान की जिंदगी का कोई मूल्य है और ना ही पुलिस वाले भाई की जिंदगी का कोई मूल्य है। अगर नुकसान किसी भी तरफ से होगा वो किसान और मजदूर समाज का ही नुकसान है, वो हमारा ही नुकसान है। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है तमाम नौजवान भाइयों से, आपके माध्यम से ये करना चाहते हैं, आपको बड़ी संख्या में पहुंचना है बॉर्डरों पे, लेकिन जो लीडरशिप जिस तरीके से कहेगी उस तरीके से हम आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। हमें अपनी शांति भंग नहीं होने देनी, हमें अपना अनुशासन नहीं टूटने देना आएगी, किसी किसान पे हम आंच नहीं आने देंगे। और परमात्मा से भी हम यही प्रार्थना करते हैं, आंदोलनों में कुर्बानी देनी पड़ती है, आजादी के आंदोलन में भी कुर्बानी देनी पड़ी, अगर कुर्बानी देनी पड़ती है तो हम परमात्मा से, वाहेगुरु से भी ये प्रार्थना करते हैं कि वो कुर्बानी सबसे पहले हमारी होनी चाहिए, लीडरशिप की होनी चाहिए, क्योंकि जो ये लाखों किसान यहाँ आए हुए हैं नौजवान भाई, इनके प्रति हमारी जवाबदेही, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मोर्चा जीत के एक एक भाई को सुरक्षित हम अपने घर पे वापस पहुंचाए। तो मेरी अंत में यही प्रार्थना है तमाम भाइयों से जो कल बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं, जो ऑलरेडी नौजवान हमारे साथ हैं, हम नौजवानों की हर एक भावना का, किसानों की हर एक भावना का कदर करते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत में हमें अपनी शांति भंग नहीं होने देनी, हमने अपना अनुशासन नहीं टूटने देना। आपके चैनल के माध्यम से पंजाब की सरकार और पंजाब के मुख्यमंत्री से भी अपील करते हैं, उन्होंने भी खट्टर सरकार का तरह रवैया अपनाना शुरू कर दिया है, सभी जगह बैरिकेड लगा के कोई भी साथी को राशन लेके, लंगर लेके आता है, उनके गाड़ी रोक के उनके मोबाइल नंबर नोट किए जा रहे हैं, बहुत बैरिकेडिंग कर दी है, टिप्पर लगा दिए हैं और वहाँ भी माहौल ऐसा बना दिया है। ये जो किसान हतैषी होने का ढोंग रच रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी वो भी उसी राह पे चल रहे हैं, उन्होंने जो भी गाड़ी आती है, जितने साथी बैठे उनके मोबाइल नंबर नोट करते हैं, उनको डराने के लिए भी कोई दिक्कत ना आए, तो उसके लिए हम कहना चाहते हैं जब हमारे किसान साथी दिल्ली के लिए निकल रहे हैं तो पंजाब सरकार भी उसका रोड़ा ना अड़काए बीच में। वो बार बार हमने कहा है भाई, कई जगह से ट्रैक्टर ट्रालियों को रोका जाता है, पुल का रास्ता डाइवर्ट करके, कई जगह डाइवर्ट करके जाम की स्थिति बनाई जाती है, बहुत सारा माहौल जो पंजाब सरकार भी अब प्रशासन को लगा के, पुलिस प्रशासन को लगा के इस आंदोलन को, जो पीछे से ताकत आ रही है उसको रोकने का काम कर रही है। ये भी आपके चैनल के माध्यम से हम अपने आवाम तक, अपनी जनता तक, पंजाब और हरियाणा की जनता तक पहुँचाना चाहते हैं कि भगवंत मान सरकार भी किसान विरोधी काम कर रही है। सब्सक्राइब करो अजीत वेब टीवी, ताज़ी खबरां दी नोटिफिकेशन पाउण दे लई बैल आइकन ते क्लिक करो।